हे एवरी वन वेलकम बैक टू माइंड माइन टूटोरियल आर टू डेज टॉपिक इज डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूटीज़ ये जो टॉपिक है ये डेरीवेटिवस ऑफ इंटेग्यूमेंट का पार्ट सेकेंड हम देख रहे हैं जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो हमारा जो पार्ट फर्स्ट था वीडियो का जो कि कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ इंटेग्यूमेंट्स था तो उसके पार्ट फर्स्ट में हमने डेफिनेशन देखी और जो फंक्शंस होते हैं इंटेग्यूमेंट के वेरियस वो देखे फिर उसके बाद पार्ट सेकेंड में हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा था वो था डेरीवेटिवस ऑफ इंटेग्यूमेंट अब हम देख रहे हैं पार्ट थ्री और उस पार्ट थ्री में हम डेरीवेटिवस ऑफ इंटेग्यूमेंट को आगे कंटिन्यू करें जिसमें आज हम देखने वाले डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूटीज को तो स्टार्ट करते हैं अब यहां पर डिस्क्रिप्शन द बोनी स्ट्रक्चर विच डेवलप इन दी डर्मिस आर कॉल्ड डर्मल स्केल्स और डर्मल एंड डरमीज एंडल इन ओरिजिन जो बोनी स्ट्रक्चर से फॉर्म होता है हमें पता है एक होती है एपिडर्मिस वाली लेयर और दूसरी होती है डर्मिस लेयर जो भी चीजें डर्मिस लेयर से फॉर्म होती है देन इट इज नोन एज डर्मल इन ओरिजिन या फिर कह सकते हो उसको डर्मल से हम रिटेन कर सकते हैं और वहीं जो चीज़ें एपिडर्मिस से बनती है उसको एपिडर्मल कह सकते हैं अब यहाँ पर यह बात हो रही है कि जो बोनी स्ट्रक्चर्स डर्मिस से डेवलप होते हैं उनको तो हम कहते हैं डर्मल स्के और डर्मल भी आप कह सकते हैं 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 और ये ये कैसे होते ये मीजो डर्मल होते ओरिजिन के अंदर आप आगे देखते स्केल्स एंड प्लेट्स अगर हम हैवी आर्मर्स देखेंगे ऑस्ट्रिकोडम फिशेज का जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है तो वो भी थिक बोनी स्केल्स और प्लेट्स का बना होता था बट इन मोस्ट ऑफ द लिविंग फिशेज एंड रेप्टाइल्स बहुत सारे लिविंग फिशेज एंड रेप्टर देखते हैं तो दे हैव बिन रिटेन्ड इन मच रिड्यूज फॉर्म तो उनमें अभी तक ये जो कहना चाहिए थिक बोनी स्किल्स और प्लेट्स थी जो कि ऑस्ट्रेकोडम फिशेज जो कि एक्सटिंक्ट हो गई उनमें पाई जाती थी लेकिन फिर फिर भी आज जो लिविंग फिशेज है रेप्टाइल्स है उनमें भी थोड़े हद तक रिड्यूस्ड फॉर्म में छोटे फॉर्म में यह आज तक रिटेंड है थोड़ी सी बाकी रह गई है इन कॉन्ट्रास्ट टू एपिडर्मल स्किल्स डर्मल स्किल्स आर नेवर शेड बट इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम एज न्यू बॉर्न्स न्यू बोन्स आर एडिड अब होता यह है कि अगर हम यहाँ कंपेरिजन करें कि जो एपिडर्मल स्किल्स हैं उनमें और हम डर्मल स्केल्स में अगर कंपेरिजन करते हैं तो जो एपिडर्मल स्किल्स होती है वो शेड होती है यानी कि उनमें मोल्टिंग देखने को मिलती है जैसे कि हमने देखा था स्नेक्स अपनी आ, जो स्किन होती है कांचली कहते हैं जिसे उसको शेड करते हैं तो ये तो बात हो गई एपिडर्मल स्किल्स की कि ये शेड होते हैं और वहीं जो डर्मल स्केल्स होते हैं ये शेड कभी नहीं होते इनफैक्ट होता ही है कि जो डर्मल स्केल्स से एक के ऊपर एक इकट्ठे होने लग जाते हैं और इतना इकट्ठा होने के बाद उस पर एक न्यू बोन्स एड हो जाती है तो पूरी लाइफ टाइम में इनका साइज़ हमेशा बढ़ता है ना कि घटता है तो कोई शेडिंग नहीं देखने को मिलती किन के अंदर डर्मल स्केल्स के अंदर नेक्स्ट पॉइंट डर्मल स्केल्स ऑफ फिशेज एज डिस्क्राइब्ड अबॉफ द डर्मल स्केल्स ओरिजिनेट फ्रॉम डर्मिस जैसा कि ऊपर बताया गया कि डर्मल स्केल्स डर्मिस से बनते हैं इन फिशेज द आउटर एपिडर्मिस वीयर्स ऑफ सो दैट द स्केल्स बिकम एक्सपोज टू फॉर्म एक्सोस्केल इटन के अंदर जो आउटर एपिडर्मिस होती है वो थोड़ी सी साइड हो जाती है uh, कंप्लीटली नहीं वहाँ पर बाकी रहती है तो जो अंदर वाले स्केल्स रहते हैं उस फिश के अंदर जो मौजूद थे वो एक्सपोज हो जाते हैं सामने की तरफ आ जाते हैं जिससे कि वो एक्जो बनाने लगते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फाइव टाइप्स ऑफ डर्मल स्केल्स आर फाउंड इन फिशेज पांच तरह के डर्मल स्केल्स किन के अंदर फिशेज के अंदर पाए जाते हैं जिनको अब हम देखेंगे फर्स्ट वन इज कॉस्मोइड स्केल्स कॉस्मोइ स्केल्स अच्छा है, एक चीज़ और होती है कि एज डिटर्मिनेशन जो होता है फिशेस का वो स्केल्स की हेल्प से होता है अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे किया जाता है एमएससी जूलॉजी स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं तो मैं उस पर एक अलग सा वीडियो बना लूँगी ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट देख लेंगे जिससे कि आप अगर जैसे मतलब कहना चाहिए इंटरेस्ट रखते हैं बायोलॉजी में तो अच्छा होगा आप एक्स्ट्रा इन्फॉमेशन अगर गेन करेंगे तो बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर आप चाहते हैं तो देन वी कैन मेक अ वीडियो ऑन इट एंड uh, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है इफ़ फिर uh, मतलब कहना चाहिए जो एक स्टूडेंट्स जो कमेंट्स करते हैं टीचर्स को उससे हमें एक अलग ही तरह का मोटिवेशन मिलता है सो कीप ऑन कमेंटिंग एंड अच्छी तरह से जो रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं बाय सब्सक्राइबिंग लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियोस तो उसके लिए थैंक यू सो मच सो so, अब हम आगे देखते हैं कॉस्मोइट स्केल्स के बारे में कॉस्मोट स्केल्स में क्या हो रहा है कि ये जो रहते हैं ये एक्सटिंक्ट लोब फिंड जो क्रॉसऑफ फिशेस फिशेज होती हैं उनमें पाए जाते थे तो ये फिशेज़ आज की अगर हम डेट में देखेंगे टिल डेट बात करें तो ये फिशेज एक्सटिंक्ट हो चुकी है गायब हो गई हैं खत्म हो गई हैं यहाँ से और उनके अंदर ये तरह के जो स्केल्स होते हैं कॉस्मोइड स्केल्स वो उनमें पाए जाते थे जिनको क्रॉस ऑफ टेराइगी फ़िशेज़ कहते हैं फ़िशेज़ का क्लासिफिकेशन एज प्रपोज बाय एलिस बर्ग और जो अदर साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है वो मैंने ऑलरेडी दो पार्ट्स अपलोड करें एक पार्ट फर्स्ट में मैंने फिशेज के बारे में बताया एंड पार्ट सेकेंड में मैंने सारे जो क्लासिफिकेशन है उनको एक्सप्लेन कराए तो वो भी अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं सो so, आपके नॉलेज में लाना जरूरी है कि जो जो वीडियोज ऑलरेडी ऑलरेडी अपलोडेड है क्योंकि स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में ये भी पूछते हैं कि ये वीडियो नहीं है सो so, आप बनाए तो वो ऑलरेडी वहाँ रहती तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ स्केल्स आर प्लेकॉइड स्केल्स ये ऐसे स्केल्स होते हैं जो कि इलाजमो ब्रांच और कॉन्ड्रिक थाइज फिशेज में पाए जाते हैं कॉन्ड्रिक और ऑस्टिकथाइज फिशेज आई होप आपको पता होगी कॉन्ड्रिक वो फिशेज होती है जिनमें कार्टिलेजनस स्केलेटन होता है और ऑस्ट्रिक में बोनी स्केलेटन होता है और भी डिफरेंसेज होते हैं लेकिन मैंने वो ऑलरेडी फिशेज क्लासिफिकेशन एज प्रपोज बाय बर्ग में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करा है तो वो हम लोग वहाँ आप चेक कर सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट होते हैं गेनॉइड स्केल्स गेनॉइड स्केल्स कैसे होते हैं दीज स्केल्स

पता नहीं वो कैसे हो जाता है तो अब हम आगे समझते हैं नेक्स्ट है डर्मल स्केल्स डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूटीज ऑफ टेट्रापोर्ट्स इन सम सीसीलियंस और एपोडेम्फीबियन अब यहाँ पर एपोडा एम्फिबियन कहना चाहिए था तो जो डर्मल स्केल्स होते हैं या जो बोनी प्लेट्स होते हैं जो कि वन से लेकर टू एम mm तक हो सकते हैं वो किस तरह से एम्बिटेड फॉर्म के अंदर इन दी पॉकेट्स ऑफ डर्मिस पाए जाते हैं एम्बिटेड है ना धसे हुए पाए जाते हैं और कहाँ पर धसे हुए पाए जाते हैं पॉकेट्स ऑफ एपिडर्मिस और क्या पाए जाते हैं धसे हुए जो डर्मल स्केल्स होते हैं और बोनी प्लेट्स होते हैं जिनका साइज इतना होता है वो डर्मिस के जो पॉकेट्स होते हैं उनमें धसे हुए पाए जाते हैं और इन एनिमल्स के अंदर जो कि टेट्रापोट्स हैं सीसीडियस या फिर एपोडा एम्फीबियन और जो डर्मल स्केल्स यहाँ पर रहते हैं कॉल्ड ऑस्टियोडर्म्स एंड आर ऑल्सो फाउंड इन बैक ऑफ सम ट्रॉपिकल टोट्स तो ये जो डर्मल स्केल्स है वो ऑस्ट्रियोडर्म्स भी कहलाते हैं और ये जो बैक होती है ऊपर का हिस्सा होता है ट्रोपिकल टोट्स का वहाँ पर पाए जाते हैं डिसाइड एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूटीज द रेपटाइल्स स्टिल रिटेन बोनी डरमल आर्मर ऑफ देर एनसिसटर्स अगर हम एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूटीज के अलावा भी बात करें तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर आज भी बोनी डरमल आर्मर भी पाया जाता है उनके एनसिसटर्स की तरह इन सम लिजार्ट स्मॉल स्केल्स आर प्रेजेंट कुछ कुछ लिजार्ट ऐसी होती हैं जिनमें छोटे स्केल्स होते हैं मैनी ओवर बोनी प्लेट्स आर प्रेजेंट इन द डरम्स ऑफ बैक एंड नेक इन क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स वहीं अगर आप क्रोकोडाइल्स एंड एलीगेटर्स को देखें देखेंगे तो बहुत सारी ओवल बोनी प्लेट्स जो होती है वो डर्मिस जो होती है ऑफ बैक और उसकी नेक के उधर वहाँ पाई जाती है इन टर्टल्स अगर बात करें तो बिलो दी हॉर्नी एपिडर्मल स्क्यूटिस लार्ज बोनी प्लेट्स और ऑस्टियोडर्म्स आर एम्बेडेड व्हिच फॉर्म अ बॉक्स लाइक रिजिड डर्मल स्केलेटन अराउंड दी ट्रंक इंक्लूडिंग अ डोर्सली आर्च्ड कैरापेस एंड अ वेंट्रल फ्लैट एंड तो ये सारी चीजें टर्टल्स के बारे में नाउ अमंग दी मैमल्स दीज बोनी प्लेट्स और ऑस्ट्रियोडर्म्स आर फाउंड आर्माडिलोज एंड वेल्स अगर हम मेमल्स के अंदर बात करते हैं तो इस तरह के जो बोनी प्लेट्स और ऑस्ट्रियोडर्म्स होते हैं वो आर्मा में और वेल्स के अंदर पाए जाते हैं मैमल्स के अंदर अब बात आती है डर्मल फिनरेज के बारे में जो डर्मल फिन रेज होती है इसका मतलब समझते हैं जो फिन्स होते हैं फिशेज़ की उनको सपोर्ट करने के लिए लॉन्ग और फ्लेक्बल फिन रेस पाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी है अब ह्यूमन बॉडी है तो उसके अंदर स्केलेटन होता है तभी किसी ह्यूमन बॉडी को एक स्केलेटन मिलेगा तो उसकी बॉडी को स्ट्रक सपोर्ट मिलेगा उसी तरह से फिश की जो बॉडीज होती है उसके ऊपर फिंस होते हैं फिंस कैसे हो सकते हैं पेक्टोरल फिंस पेल्विक फिंस कॉर्डल फिंस जिसको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं दूसरे टॉपिक के अंदर तो वो तो वहाँ मिल जाएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसी में मैंने रेस का भी कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था कि इन फिनस को सपोर्ट करने के लिए जो स्केलेटन होता है उसी को रेस कहा जाता है एंड दीज फिन रेस आर एम्बेडेड इन डर्मिस ये रेस डर्मिस के अंदर एम्बेडेड uh, होते हैं एम्बेडेड को आप धसे हुए भी कह सकते हो अगर हिंदी में समझे तो इन कॉन्ट्रिक्टाइज फिशेज दे आर हॉर्नी हेयर लाइक मेटअप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिशू कॉल्ड सीरेटो ट्राइकिया कॉन्ट्रिक्टाइज फिशेज यानी कि ऐसी फिशेज जिनमें जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है तो उनके अंदर ये हॉर्नी होते हैं हेयर लाइक होते हैं और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं जिसे सीरेटो ट्राइकिया का नाम दिया जाता है टीलियोस या फिर बोनी फिशेज की बात करें तो ये ब्रांच होते हैं जो सीरीज जो स्केल्स की होती है उससे बने होते हैं सेगमेंट से बनाते हैं और उसको कहते हैं लेपिडो ट्राइकिया वहीं अगर ये अनसेगमेंटेड शार्प और स्पाइन लाइक फिन रेज होंगे तो इसको नाम दिया जाएगा एक्टिनो ट्राई किया तो सिरेटो ट्राई किया लेपिडो ट्राई किया और एक्टिनो ट्राई किया ये तीनों शब्द आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल ये एक न्यू टॉपिक है आपके लिए जो डिजिटल होते हैं हैं उसमें आ जाते क्लॉज नेल्स नेल जिनका सिमिलर डेवलपमेंट देखने को मिलता है और ये मॉडिफिकेशन होते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम के ये पाए जाते हैं जो डिजिट्स की टिप्स होते हैं वहां पर फॉर एग्जाम्पल ये किसी की फिंगर है तो यहाँ टिप पे पाए जाएंगे और ग्रो करते हैं पैरेलल टू दी स्किन अब सबसे पहले इन डिजिटल क्वानिफिकेशन में जिसे एक्सप्लेन करना है वो है क्लॉज ये जो कहना चाहिए डिजिट्स होते हैं उंगलियां हो सकती है आप कह सकते हो रेप्टाइल्स की बर्ड्स की मेमल्स की तो उनके उंगलियों की जगह क्लॉस पाए जाते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो तीनों में ही सिमिलर होता है चाहे रेप्टाइल्स हो बर्ड्स हो या फिर मैमल हो तीनों में क्लॉस का जो कहना चाहिए स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है इसको अगर हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ से अगर इसका बेस स्ट्रांग है तो एक पॉइंटेड टिप के साथ क्लॉस दिखाई देते हैं नेक्स्ट पॉइंट मेड अप मेड बाय हार्ड पॉइंटेड नेरो कर्व्ड हॉनी डोर्सल प्लेट कॉल्ड अंगुस अंगुइस कहना चाहिए तो क्लॉ जो एक तरह की हॉनी डोरसल प्लेट का बना होता है इसको अंग्विस कहते हैं और लेस हार्ड होता है ऑन द वेंट्रल प्लेट तो जिस तरफ से वो ज्यादा हार्ड होगा उसको क्या कहेंगे हॉर्नी डोरसल प्लेट की तरफ से वो ज्यादा हार्ड है तो उसको अंग्विस कह रहे हैं और जिस जगह से वो लेस हार्ड है कम हार्ड है वेंट्रल प्लेट की तरफ से उसको सब अंगविस कहते हैं बोथ कवरिंग दी टिप ऑफ डिजिट्स कवरिंग दी लास्ट फेल इंज और ये दोनों ही चीजें क्या करती जो टिप ऑफ डिजिट्स होती है उन्हें कवर करती है कवरिंग दी लास्ट फेल इंज तो ये सारी चीज़ आ जाती है नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड डिजिटल कॉर्निफिकेशन में नेल्स की बात करते हैं जो क्लॉज होते हैं वो मॉडिफाई होकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब कहना चाहिए उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आकर वो बना लेते हैं नेल्स और ये कैरेक्टरिस्टिक होती है मेमल्स की फॉर एग्जाम्पल ह्यूमस को अगर देखेंगे तो हम मेमल्स में अंदर आते हैं और हमें नेल्स पाए जाते हैं हमें क्लॉज नहीं पाए जाते और अच्छा ही है क्लॉज नहीं पाए जाते थोड़े से अजीब ही नज़र आते हैं ह्यूमस अगर क्लॉज उनमें होते तो तो ये वाली बात हो जाती है और जो डॉर्सल प्लेट होती है नेल की वो ब्रॉड होती है और फ्लैट अंग्विस होना चाहिए यहाँ पर ऐसी होती है वाइल जो वेंट्रल सब अंग्विस वाला पार्ट होता है वो सॉफ्टर होता है पोअरली डेवलप्ड होता है और जो टिप ऑफ द डिजिट्स होती हैं वो ग्रेटली सेंसिटिव होती है हाईली वेस्कुलर होती है पेड्स हाइली वेस्कुलर उस पर पाए जाते हैं ओवर विच एपिडर्मिस फॉर्म अ नेल ग्रूव जिस पर जो एपिडर्मिस है वो नेल ग्रूफ बना लेती है जिसके अंदर नेल रूट्स होती हैं आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम है डायग्राम शोइंग रिलेशनशिप सॉरी रिलेशन बिटवीन क्लॉ ईगल नेल मैन और हुफ हॉर्स का डिजिटल शोइंग कंप्लीट अबव एंड इन सेजिटल सेक्शन बिलो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे ज्यादा क्लियर होगा तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम है आप देख सकते हैं स्किन यहाँ पर शोन है फिर उसके बाद ये पॉइंटेड अंग्वेस वाला पार्ट है और ये क्लॉ है और नीचे वाला जो पार्ट सॉफ्ट होता है वो सब अंग एरिया कहा गया है फिर उसके बाद नेल को देखिए फ्लैट नेल प्लेट है ऊपर से अंग्वेस कहलाता है नीचे से वेस्कुलर पैड ऑन टिप ऑफ डिजिट है लास्ट में यहाँ पर हुफ के बारे में अभी मैंने डिस्कस नहीं करा पर फिर भी आप डायग्राम देख लीजिए पहले तो यहाँ ब्लंट हुफ शो किया गया है ब्लंट अंगुस शो किया गया है जो कि हुफ ऑन द टिप ऑफ द डिजिट है अब इन सभी के सजाइटल सेक्शंस देख लीजिए तो सबसे पहले यहाँ क्लॉ का देखिए लास्ट टेपरिंग फेलेंज है डरमिस एपिडर्मिस पॉइंटेड अंगुएस सब अंग्वेस स्किन फोल्ड यहाँ पर नेल रूट है नेल रूट की बात हो रही थी अभी हमने मेमल्स के अंदर बात की थी तो देखिए नेल रूट है उसके बाद वो एक नेल ग्रूव के अंदर चेंज हो रहा है यहाँ एक स्किन फोल्ड भी दिखाई दे रहा होगा ये जो है वो स्किन फोल्ड है उसके बाद टर्मिनल फेलेंज सब अंगुस अंगुवेस डर्मिस और एपिडर्मिस उसके बाद हुफ को देखेंगे तो वहाँ पर ब्लंट टर्मिनल फैलेंज है अंग्वेस है सब अंग्वेस हूफ है आ, क्यूनियस है ये सारी चीज़ें यहाँ पर डायग्राम में शोन है तो डायग्राम सॉरी मैंने यहाँ पर शायद गलत एरिया में आपको शो किया है तो जूम करने के बाद इतना यहाँ से देखना चाहिए था तो अगर वहाँ नहीं देख पाए हो तो प्लीज़ यहाँ से देख लीजिए स्किन पॉइंटेड अंगुेज क्योंकि वो कट हो जाता है उस एरिया से हुफ्स की बात आती है ये कैरेक्टरस्टिक होते हैं हुफ्ड ड के या फिर अंगुलेट्स के अंगुलेट्स में या फिर हुफ्ड ड मैमल्स में हुफ्स पाए जाते हैं आ, शायद हिंदी में इसे खु, आ, खुर कहा जाता है आपने सुना होगा कभी और जो हॉर्नी अंग्वेस होते हैं वो ना ही पॉइंटेड होते हैं ना ही वो फ्लैट होते हैं बल्कि उनका शेप यू हो सकता है या फिर वी हो सकता है और जो सब अंग्वेस होता है वो यू शेप का होता है जो कि ज़्यादा थिकर होता है और टच करता है ग्राउंड तक और जो हॉर्स शू होता है कैन बी नेल्ड इन टू इट जो हॉर्स शू पहनाए जाते हैं हॉर्सेस को आपको पता होगा शू पहनाए जाते हैं तभी वो अच्छे से रनिंग कर पाते हैं तो आ, जो हॉर्स शू को नेल किया जाता है वो इन्हीं में किया जाता है और जो सब अंग्वेस रहता है वो

कि शीप और कैटल के, के हॉर्न्स में होते हैं और जो प्रोंग हॉर्न्स होते हैं यानी कि जो एंटीलोप्स में पाए जाते हैं ये सभी किसके मॉडिफिकेशन होते हैं ये स्ट्रेटम कॉर्नियम के मॉडिफिकेशन होते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि, कि किसके मॉडिफिकेशन है स्ट्रेटम कॉर्नियम के स्ट्रेटम आलफिकी के स्ट्रेटम जर्मिनी टेवम के तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है उसके मॉडिफिकेशन हैं